हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हमने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो उन्हीं टॉप 25 क्वेश्चंस के हम आज आपको जो 5 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के उनके आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसमें दो बेनिफिट होने वाले हैं। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी पूछे जाएंगे और एनर्जी कंजर्वेशन में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इसी में हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद इसका हम आंसर भी आपको वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। तो पहले जो आपके क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए आप लोग। और दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आपका इकोलॉजी है वो क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है, इसको आपको बताना है और इसका जो कुछ कंपोनेंट्स है वो भी बताना है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया इसकी अभी आंसर पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसका आंसर हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त दिया गया है नाइट्रोजन साइकिल जैव विविधता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, या तो आपकी नाइट्रोजन साइकिल आएगी या फिर आपकी जो ऑक्सीजन साइकिल आएगी, इन्हीं दो में से कोई एक आपकी आने के चांसेस दोस्त बन रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर दोस्त तीसरा दिया गया है इसमें मैंने पॉइंट वाइज दे दिया, लेकिन आपके ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी पूछे जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग, आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज आपकी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। ओजोन लेयर का क्षय ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है और यही तीनों क्वेश्चन आपके एनर्जी कंजर्वेशन में भी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्त, अगर आप इसी वीडियो में तैयार कर लेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वायु प्रदूषण क्या है इसको आपको समझाना है तथा इसके कारण प्रभाव और रोकथाम के उपाय भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ आपके प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और कुछ कृत्रिम कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके आंसर्स की दोस्त बात कर लेते हैं, अब इनके आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्त, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा जो इकोलॉजी है वो क्या है उसको हम आपको बताने वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इको सिस्टम्स। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के संबंध तथा पर्यावरण के साथ अनेक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, आपकी इकोलॉजी कहलाती है। कहने का मतलब विज्ञान की आपकी वह शाखा जिसमें एक प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के आपको जो जीवधारी को जो संबंध है पर्यावरण के साथ अनेक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो आपको इकोलॉजी की जो डिफिनेशन समझ में आ गई होगी आयोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्वेश्चन ये, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में बैक नहीं चाहिए तो बहुत अच्छे से पढ़ाई गई, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो इको सिस्टम है वो क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, किसी सीमित क्षेत्र के जीवित समुदाय भौतिक पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के संबंधों को परितंत्र कहते हैं, ठीक है। परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें किसी विशेष वातावरण के सभी जीवधारी अर्थात आपके जो पौधे हैं जानवर हैं आदि अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं जिसमें वह अपनी आवास भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब जो भी आपका जो परितंत्र है इसमें आपके जो पेड़ पौधे हैं और जो आपके जीवधारी हैं ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इको सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। हमने आपको बताया था परितंत्र के जो घटक हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो इसके घटक जरूर दोस्त पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसके घटक कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले इसके दो घटक हैं, अजैविक घटक और एक जैविक घटक। तो आपके अजैविक घटक है इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका प्राकृतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आपका आएगा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। और देखिए, जो आपका अकार्बनिक पदार्थ के अंदर आएगा H2O, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन। तो इन्हीं चार में से कोई आपका एक साइकिल पूछी जाएगी, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ में आपका आएगा प्रोटीन और वसा। और जो जैविक घटक दोस्त आपके दिए गए, देखिए जैविक घटक के अंतर्गत आपका क्या आएगा, उत्पाद आएगा, उपभोक्ता आएगा और अपघटक आएगा। तो उत्पादक
जो उत्पादक है वो क्या है, इसे हरे पौधे, ठीक है, उपभोक्ता क्या है, जंतु, और अपघटक क्या है, सूक्ष्म जीव। तो इतना दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी जो आपका परितंत्र है उसको फिर से मुख्य दो भागों में बांटा गया, आपका जो जैव घटक है और अजैव घटक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त दिया गया था, अब उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लोबल वार्मिंग था, उसकी बात करते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आपका अगर इसमें आप तैयार करें तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन में तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एनर्जी कंजर्वेशन में भी पूछे जाने वाले हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमंडलीय उष्मीकरण क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इसको देख लिए, जान लेते हैं हम लोग। धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्व तापीय बढ़ोतरी, कहने का मतलब जो आपका धरती में वातावरण का जो तापमान है वो लगातार उसमें क्या हो रही दोस्त, बढ़ोतरी हो रही है, को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हमारी धरती जो है सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करता है, ठीक है, यह किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती, कहने का मतलब जो आपकी सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई किससे, धरती से टकराती हैं, और फिर वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं, ठीक है, लौट आती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, आपका धरती का जो वायुमंडल है दोस्तों कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं, कहने का मतलब जो आपकी कुछ गैसें ऐसी जो धरती जो आपके है धरती के ऊपर पृथ्वी के ऊपर क्या करती हैं, एक आवरण बना लेती हैं, ठीक है, जिससे ये लौटती किरण जो आपकी जिससे क्या होता है, इससे आपकी जो लौटती किरणें हैं के एक हिस्से को रोक लेता है और प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। मनुष्य प्राणियों और पौधों को जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का आवश्यक होता है, यही आपकी क्या है दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग है। अब देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, ये मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपकी एसिड रेन हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, ये तीनों क्वेश्चन आपके एनर्जी कंजर्वेशन में भी रिपीट होंगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्प्रभाव हैं उनको देख लेते हैं, इससे क्या होगा, पर्यावरण के तापमान में क्या होगी, लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में परेशानी होगी, ठीक है, आपकी जो ओजोन परत है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, इसका क्षय होगा, पशु पक्षियों व अन्य प्रजातियों के मुक्त होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, जो आपके नदियां हैं जो सूख रही हैं, भूजल स्तर क्या है, बहुत नीचे जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसकी बात कर लेते हैं, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वर्ल्ड एग्जाम पे आपके पूछे जाने वाले हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है, कहने का मतलब जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है इसका अर्थ जो है ग्रीन हाउस गैसों से उत्पन्न जो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है, वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों द्वारा हर तरफ अपना प्रभाव फैला रही है, जिससे इन गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह और भी गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस निम्न प्रकार की है, ठीक है, जो आपकी ग्रीन हाउस की गैसें हैं दोस्तों क्या है, निम्न प्रकार की होती हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो ओजोन है, मेथेन है, जल वाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये आपकी निम्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण प्रकृति रूप से प्राकृतिक में होता है, परंतु मुख्यतः वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों के दहन से जैसी मानव गतिविधियों द्वारा इनकी उपस्थिति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कहने का मतलब जो आपका जो पेड़ पौधे इसकी कटाई के कारण और जो ईंधन का दहन होता है इनसे मनुष्य के कारण इसकी उपस्थिति में और अधिक वृद्धि हो जाती है। ये आपका दोस्त क्या था, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी, तो ये भी आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका ओजोन परत का जो क्षय है वो किस प्रकार से हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को वायुमंडल
में प्रवेश होने से रोकती। कहने वाला जो आपकी ओजोन लेयर है, ये इसका कार्य क्या होता है, जो ओजोन की जो परत है हानिकारक जो परत बैंगनी सूर्य से किरणें आती हैं, ये क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होने से रोकती हैं। वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छेद भी हो गए हैं। आपके जो ओजोन लेयर है वो वर्षों से क्या हो रही है, क्षय हो रही धीरे धीरे, ठीक है, तो इसमें कई सारे छेद भी हो गए हैं। इसी के माध्यम से अब हानिकारक और जो विकिरण है वातावरण में प्रवेश करने लगते हैं ओजोन परत क्षय के कारण, ठीक है। जो ओजोन परत जो आपकी क्षय हो रही है, इसी के कारण जो कैंसर जैसी बीमारियों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं आपके, ठीक है। ये तरंग दैर्घ्य किरणें पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा मनुष्यों के त्वचा कैंसर, ठीक है, और जो भी मोतियों रोग आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये दोस्त आपका क्या था, ओजोन परत का क्षय था। अब आपका जो एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त, एसी ड्रेन आपकी क्या होती, ये भी इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। अम्ल वर्षा जल के पीएच मान को कम कर देती है। कहने को ना जो आपका एसी ड्रेन है क्या करती है, जल का जो पीएच मान होता है उसे कम कर देती है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाती है। कहने का मतलब जो जल का जो पीएच मान है 5.7 से अगर कम हो जाएगा तो यह आपकी क्या कहलाएगी, एसी ड्रेन कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वर्षा जल से मिलकर अम्ल वर्षा बनाती हैं। समझ में आया दोस्तों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी वर्षा जल के साथ कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि जल को अम्लीय बना देती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 2.8 तक पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी अम्ल वर्षा है, एसी ड्रेन है, इसके इफेक्ट क्या हैं, दुष्प्रभाव इसके क्या हैं, इसकी बात कर लेते हैं प्रभाव की, ठीक है। अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जो आपका जल है इससे क्या होगा, जल प्रदूषित होंगे, जिससे जल में रहने वाले जो आपके जीव हैं, जीवों में से मछलियाँ प्रभावित होती हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों की क्षति पहुँचती है। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये बात कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जीवाश्म में बदल देते हैं, जिससे दरारें क्या होती पड़ जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग, एसी ड्रेन, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्त इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, वायु प्रदूषण आपका क्या होता है, इसकी बारे में बात कर लेते हैं।